नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। युवा मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदेश में निकाला मशाल जुलूस। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धारके मांडव में आयोजित मशाल जुलूस में शामिल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए बर्ताव के विरोध में गुरुवार को युवा मोर्चा ने प्रदेश के सभी संगठनात्मक 57 जिलों में पंजाब सरकार के खिलाफ जन आक्रोश मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धारके मांडव में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मशाल जुलूस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। विष्णुदत्त शर्मा ने मशाल जुलूस के दौरान कहा कि कांग्रेस कोई भी साजिश रच ले, लेकिन वे समझ लें कि पूरे देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। मोदी जी आगे बढ़ें, पंजाब ही नहीं पूरे देश का विकास करें, देश के युवा उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस ने जो किया है वह देश के संवैधानिक संघीय ढांचे पर गंभीर प्रहार है। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में निकाला मशाल जुलूस। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार ने सिवनी में आयोजित मशाल जुलूस में शामिल हुए। मार्केटिंग हेड दीपक भर्ती की रिपोर्ट।